हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको टेक में मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे जो ज़्यादातर यूट्यूबर हैं वो दोस्तों स्मार्टफोन के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हैं। अगर दोस्तों आप भी स्मार्टफोन से अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हो, आज की इस वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। दोस्तों मानो आप जिस स्मार्टफोन में अपना यूट्यूब चैनल है लॉग इन रहता है हमेशा, वो स्मार्टफोन कभी भी आपका चोरी हो जाता है, कभी भी गुम हो जाता है किसी भी कारण, दोस्तों किस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को सेव कर सकते हो, आपकी इतनी दिन की मेहनत आप किस तरीके से बचा सकते हो। यहां पे दोस्तों सबसे पहली बात बताऊंगा, जो भी स्मार्टफोन आप यूज करते हो, उस स्मार्टफोन हमेशा आपको स्क्रीन लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन की जो स्क्रीन लॉक नहीं करोगे तो जब आपकी स्मार्टफोन दूसरों के पास जाएगा आसानी से वो खोल देगा और आपके चैनल के साथ वो कुछ भी कर सकता है, आपके चैनल को डिलीट भी कर सकता है। दोस्तों जब आप स्क्रीन को लॉक करके रखोगे, वो जब आपकी स्क्रीन जब तक खोलेगा आपको समय मिल जाएगा और उस टाइम के अंदर आपकी जो अकाउंट है उसके एक्सेस उस फोन से आप लॉग आउट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आपको करना है, किसी भी दूसरे फोन पे आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लो तब भी चलेगा। वहां पे जाने के बाद दोस्तों जिस जीमेल अकाउंट के अंदर आपके यूट्यूब चैनल है और जिस वो जो दूसरा मोबाइल पे जो आपका लॉग इन है वो वाला अकाउंट को आपको यहाँ पे ओपन करना है। आपको पासवर्ड जरूर पता होगा, हमेशा मैं पहले भी कहा था, जब भी आप यूट्यूब चैनल बनाओ आप जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वहाँ पे डालोगे आपके जीमेल अकाउंट का, उसको आप लिख के रख देना। तो वहाँ से दोस्तों आपकी जो पासवर्ड है वो आपको पता चल जाएगा और पासवर्ड देने के बाद आपकी अकाउंट में आप जाना। इस पर जाने के बाद आपके जो सिक्योरिटी सेक्शन है वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों नीचे अगर स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपकी जो अकाउंट है वो कौन कौन सी डिवाइस में ओपन है। तो दोस्तों ऑब्वियसली आपको यह पता चलेगा जो डिवाइस आपका चोरी हो गया उस डिवाइस में आपका जो चैनल है वो ओपन होगा। वहाँ पे साइड में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाने के बाद आप आसानी से उस डिवाइस से जो डिवाइस आपका चोरी हो गया उससे आप अपने यूट्यूब चैनल को और आपके जीमेल अकाउंट को आप लॉग आउट कर देना। इसके साथ दोस्तों आपने उस जीमेल अकाउंट जो भी रिकवरी फोन नंबर दिया है, जो भी रिकवरी ईमेल आईडी दिया है उसको भी दोस्तों आप चेंज कर लेना। और दोस्तों एक बात, यहाँ पे जो टू स्टेप वेरिफिकेशन आप ऑन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के टाइम में हम एक फ़ोन नंबर देते हैं, जिस फ़ोन नंबर पे अगर कोई दूसरा आपकी अकाउंट में जाना चाहता है तो वहाँ पे आपको एक ओटीपी मिलता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप अगर येस या नो ये आप कर सकते हो। तो वो जो फ़ोन नंबर आपने अगर जो स्मार्टफोन आपका चोरी हो गया वो आपने दिया था तो यहाँ से दोस्तों आपको वो जो फ़ोन नंबर है वो भी आपको चेंज कर लेना है। आपके पास जो स्मार्टफोन अभी है वो वाला नंबर आपको देना है ताकि ओटीपी भी आपके पास आए ना कि वो जो फोन पे जाए जो फोन आपका चोरी हो गया। यहां पे दोस्तों और एक चीज आपको करना है, आपको दोस्तों जो भी सिम आप यूज करते हो, एयरटेल, वोडाफोन या भी जिस भी कंट्री से आप हो, आपकी उस सिम का जो भी कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पे आपको फ़ोन कर देना है और आपको बताना है कि मेरा स्मार्टफोन ये जो नंबर था मेरा चोरी हो गया और उसको आपको ब्लॉक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपका कुछ वोटर आईडी, कुछ आइडेंटिफिकेशन वो लोग मांग सकते हैं, आप लीगल चीज़ दो, देने के बाद आपके जो वो सिम कार्ड है उसको आपको ब्लॉक कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों उस सिम कार्ड में कोई भी जो भी चीज़ आपका मौजूद होगा, अगर दूसरा किसी उस कार्ड के साथ आपका फेसबुक अकाउंट या फिर कुछ भी अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट लिंक होगा से वो एक्सेस नहीं कर सकता। दोस्तों आपकी किसी भी इंपॉर्टेंट सिम कार्ड का पिन लॉक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों आप ये करते हो तो उस सिम कार्ड के रिलेटेड जो जो चीजें हैं उनका सिक्योरिटी दोस्तों और थोड़ा बढ़ जाता है। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों यहां पे ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, भाई को दीजिए इजाजत, सेफ रहना।